चेक करो शेडो कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह न्यू रिंग लाइट्स भी लगवाई हैं आपके भाई ने इसमें। हाय हाय हाय, रात के टाइम आप लोगों को चेक करवाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों के? यार सब ठीक ठाक हो? जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, या पिछले व्लॉग में या उससे पहले व्लॉग में, किसी ना किसी व्लॉग में ये जरूर बताया था कि आपका भाई शेडो बेच रहा है, ठीक है। अब शेडो की डील जो है हो गई हुई है समझ लो। अभी मैं जा रहा हूँ यार बिलालगंज, इसके ना वो डलने वाली है कोयले इसकी खराब है, जाके इसकी कोयले लेते हैं। और अपने हायाबूसा के लिए हमने क्या लेना है गुड्डू भाई? फ्यूल पंप लेने जा रहे हैं। फ्यूल पंप लेना। और सुनाए क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। गुड्डू भाई हमारे साथ है, जरा हायाबूसा पे मेरी कोई काम कर रहे थे, उसका फ्यूल पंप उड़ गया हुआ है, तो अभी वो लेने जा रहे हैं। बिलालगंज चलते हैं यार, इसके भी काम करवाते हैं, अपने भी काम करते हैं और बस चिल करते हैं। वेल बॉयज, यार बिलालगंज जाते हुए ना एक अपने दोस्त के पास मैंने ब्रेक लगाई है, इसके पास सारी जो है ना क्लासिक चीज़ें होती हैं। तो यार ये देखें, खजाने छुपाए हुए हैं भाई अगले ने। यहाँ पे है कैंपर टाइप होता है, इसके अंदर पूरा भाई घर बना होगा। सेक्सी चीज़ है यार ये, अपनी शेडो देखें माशाल्लाह चमक रही है। यहाँ देखें ना ये क्या चीज़ है यार, ये शेवी का कैंपर। ये भी कैंपर है ना? ये शेवी का कैंपर है, इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन मतलब ये लोग कर रहे हैं, पूरा अंदर घर बना रहे हैं। यार क्या बात है, सिंक शिंक लग रहा है, खिड़कियाँ लग गई हुई हैं। ये भी एक किस्म का यू नो ट्रैवल वैन के लिए यूज़ होगी, लेकिन वेरी नाइस यार। बाहर देखें खिड़कियाँ लगाई हैं, टाइले शाइले ये वो, अंदर भी भाई काफ़ी खजाने हैं। ये सलीका दिलवा दो गुड्डू भाई, TA-22 बहुत रेयर चेसी, जो आप लोगों को पता हम लोग भी तैयार कर रहे हैं 2JC GT। इधर किया KE 35 है माशाल्लाह, वेरी नाइस। खजाने यार काफ़ी छुपाए हुए हैं जैन भाई ने। ओए होए होए, ये देखें यार माशाल्लाह कमाल चीज़ है ये। ये सारी हैंडमेड है, ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है भाई, क्या बात है क्या बात है। 62 यार, 62 का, वेरी नाइस। 7 साइड कार है ये, एक वॉल्सवैगन वैन तैयार हो रही है इधर, वहाँ भी कुछ छोटी छोटी सी गाड़ियाँ मज़े मज़े की। बहुत आपको यहाँ जो है ना यूनिक चीज़ें मिलेंगी। यहाँ ये देखें यार, ये पुरानी शेवीज, क्या बात है यार। मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत यूनिक होगी हुई हैं। ये भी एक रेयर चेसी पड़ी हुई है भाई माशाल्लाह कमाल। यार बातों की बात, दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, क्या बात है माशाल्लाह। ये भी तैयार कर रहे हैं जैन भाई, वाह कमाल यार, कमाल चीज़ें हैं। वेल बॉयज, बिलालगंज पहुँच गए हैं, लेकिन रास्ते में एक मसला हो गया यार, रेडी वाले ने मार दी यार गाड़ी। अभी पेंट करवाई थी, अब ये कंपाउंड में निकल जाना चाहिए वैसे। चलो कोई नहीं, अब गरीब बंदे को क्या कह सकते हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते गरीब बंदे को। ये है कि रबिंग कंपाउंड में ना इसको निकाल देते हैं। स्विफ्ट के ऊपर लैम्बोडोर्स, क्या बात है। बाकी यार हमारी जीप के टायर जो है ना, वो देखें उनके रिम्स में बीच में भाई ये लगा रहे हैं हम लोग रिम। 5 रिम्स हम लोगों ने ज़ाया करवाए हैं, उनको काट दिया पीछे से, यहाँ से कट के अब ये वाली जो इसकी ये फ्रंट फेस है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, समझाता हूँ। फ्रंट ये फेस जो है इसके ऊपर फिट कर रहे हैं ताकि स्टेपनी ना लगे। यार इमरान साहब के काम जो है ना बहुत उल्टे सीधे हैं। 5 लिटरली रिम्स उसने फारिग कर दी हैं, ज़ाया किए हैं सिर्फ और सिर्फ कि भाई जीप के अपने जो टायर और रिम है उनकी लुक निकल आए। तो यार ये हमारे जो है जनरेशन 1 भूसा में लगा हुआ था पंप, हमने उसी के साथ का जो है ना पंप यहाँ बिलालगंज से हमें मिल गया है, ये जाके लगाते हैं। गुड भाई हो जाएगी क्लियर यार? इंशाल्लाह। चलें ये जाके क्लियर करें, रेडी टू रन, ठीक हो गया। ये जाके यार इसको रेडी करते हैं आया भूसा को। बाकी अभी वो फैजी आ रहा है, उसने कोयले डालनी है अपनी रिबॉन्ड में। और ये देखे नीचे एक बंदा बैठा हुआ है, हाँ भाई 10 रुपये देना यार गुड भाई से टूटे। चेक दिस आउट गाइस, आपके भाई ने न्यू रिंग लाइट्स लगवाई हैं, इधर भी उधर भी, ये चेक करना जरा। ओए 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 ओए, चस्करा रही है कि नहीं, इस साइड वाली भी देखो। हाय 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 हाय। बहरहाल बाकी गाड़ी में अभी ले आए हैं फैज भाई के पास। फैज भाई अभी इसके ना कोयले यार चेंज कर देते हैं, कोयले इसकी ख़राब हैं। मैंने कहा लगे हाथ इसकी कोयले और इसके प्लग्स दोनों चेंज करवा लेते हैं।
तो बॉयज यार फोग हो गई, अभी टाइम 6 भी नहीं बजे। वेल ये हमारी पुरानी कोयलें हैं, ये आप लोग देखो फटी हुई हैं, ठीक है। हीट होता है ना जब इंजन, पुराना इंजन वो मेरा हीट होता था, तो उसने जो ये कोयलें हैं ना वो फाड़ दी हैं। चेक दिस आउट, यहाँ भी दिखाता हूँ, ये देखें। तो इसलिए अब नई मंगवाई हैं, जो काबली आती हैं रिबॉन की, वो लगाते हैं और चेक करते हैं। यार टेस्ट ड्राइव पे निकले थे नई कोयले डाल के, लेकिन गाड़ी फिर भी मिसिंग कर रही है हल्की हल्की सी। अब वो एक और सेट हम लोगों ने मंगवाया था कोयलों का, वो डाल के चेक करते हैं। पैसे भाई डाल रहे हैं, पीछे ये नमूना साथ बैठा हुआ है। हाँ भाई, क्या हाल है? बस यार फिट फाट। तो ये डलवाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। जैसे कि यार मैंने बताया था आपकी फाइनली रिबॉन जो है ना लगाई हुई है सेल पे, शैडो आप लोग की जा रही है, क्योंकि अब हम लोग पैसा लगाएंगे अपनी मार्की के ऊपर। भाई रो के दिखा, तेरी गाड़ी जा रही है। ठीक है भाई, सीन ये है कि देखिए अब मार्की हमने ऐसी तैयार करनी है भाई, एयर लगानी है, एयर भी लगानी है, जाहिर सी बात है पैसा तो आ रहा है। पैसा आएगा तो तेरी चीजें लेंगे ना, रिम टायर एयर और क्या करना भाई, रिम टायर एयर, उसके अलावा इंटीरियर सारा कार्बन फाइबर, कार्बन में फोर्स करवाएंगे। यस कार्बन फाइबर बेबी, बिग सीन, कार्बन फाइबर डिपिंग, उसके अलावा अपनी छत वगैरह ब्रांड का कपड़ा वगैरह लगवा देंगे। बकेट सीट्स नहीं लगवानी क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, कंफर्टेबल भी नहीं होती। यार अरे चीजें करेंगे, शशके करेंगे गाड़ी में, जारी सी बात है, मॉडर्न ऑलरेडी बना जी। यार सुपर चार्ज डालना है हमने, ओ भाई इजी हो जाए, हाइप हो रहा है भाई, हाइप हो रहा है। तो बहरहाल यार शैडो इज फॉर सेल, इंशाल्लाह एक दो दिनों में निकल जाएगी, डील मेरी चल रही है, कोई पता नहीं कल गाड़ी निकल जाए। तो मेरा था कि यार देखो गाड़ी देने से पहले ना कोई भी काम हो ना गाड़ी में करवा के, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई बंदा ले जाए, हजार गालियां इमरान को निकाले हैं तो अच्छी बात नहीं है भाई, मैंने कोई नहीं उठाना। तो यार मैंने कहा छोटे मोटे काम है, अब देखो 25,000 रुपए की कोयले हैं इसकी, पर लगवा के दे रहा हूँ भाई ताकि अगले को मसला ना हो। ओके हाँ जी, न्यू कोयले डल रही हैं, ठीक हो गया, पुरानी निकाल दी हैं, एक और सेट हम लोगों ने मंगवाया हुआ था, अब ये डाल के देखते हैं भाई हमारी मिसिंग क्लियर हो रही है कि नहीं। एक तो कोयले इतनी महंगी हो गई हैं भाई, पिछले साल मैंने सर्दियों में कोयले ली थी 8,000 रुपए की चार, और अब 25,000 रुपए की चार कोयले हैं। तोबा तोबा तोबा। तो बुलडोजर माशाल्लाह से हमारी शैडो क्लियर है, पहला सेट जो डाला था कोयलों का उसके अंदर भी एक दो कोयल्स जो थी वो शॉर्ट हुई हुई थी, इसलिए वो गाड़ी मिसिंग कर रही थी। बहरहाल अब कोई मिसिंग नहीं है गाड़ी में, माशाल्लाह गाड़ी क्लियर है, जिसको भी दूंगा भाई वो दुआएं देगा। बाकी आगे आपके भाई को कुछ नजर नहीं आ रहा भाई, फुल टाइम धुंध हुई हुई है। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बॉयज होगा जी वैगन का, और उसका रेडिएटर चेंज करवाना है। पार्क व्यूज ऑटो शो से गाड़ी वापस लेके आए थे, रेडिएटर उसका शैम्पू हो गया यार, वो इतने साल तो एक तो गाड़ी खड़ी रही तो रेडिएटर नीचे से सारा गला हुआ था। अब रेडिएटर चेंज करेंगे, उसके बाद गाड़ी भिजवा देंगे डैब वालों के पास ताकि वो डिटेलिंग करें, सिरेमिक कोटिंग करें, और गाड़ी हमारी क्लियर हो ताकि मैं अपने वाले साहब को दूँ। वो भी बेचारे 3 साल से यार इंतजार कर रहे हैं, अभी आगे तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। बस दुआ करो आपका भाई खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।